बस ये है कि जैसे आप सबको पता है कि मेरा थोड़ा जो नए नेगेटिव साइड है वो बाहर आ गया है, बट असल में शानी को मैं लाइक करता हूँ, तो उसको मैं उसके जब भी उसको मिलता हूँ मैं उसको दिखाता हूँ कि नहीं मैं असली में आपको लाइक करता हूँ। तो मैं आज वही तरह कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि मैं इसको इससे प्यार करता हूँ मैं, और जैसे भी आगे जाके कोई भी इसको बोले कि मैं नहीं करता, बट उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो क्योंकि अब देखिए ईशानी भी धीरे धीरे करके चिराग से प्यार करने लगी है, तो जब एक कपल बनता है जब दोनों तरफ से फीलिंग्स आती है तो थोड़ा क्लोजनेस आती है, तो आई थिंक वही आज हुआ। आपको लगता है ईशानी भी खुश है? आई थिंक ईशानी बहुत खुश है उसके चेहरे पे दिख रहा था। तो आगे आपको लग रहा है कि चिराग और ईशानी की लव स्टोरी अब आगे बढ़ेगी? आई थिंक बढ़नी चाहिए, आई थिंक शादी भी हो जानी चाहिए, होम आई एम होपिंग शादी हो, पर देखते आगे क्या होता है। ईशानी के तो क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो और मैं दोनों दिल्ली से हैं, तो हमारी एक्चुअली दिल्ली का कनेक्ट काफ़ी है, तो एक्चुअली दिल्ली के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं, तो हमारा माइंडसेट काफ़ी सिमिलर है। वो मैसेज थोड़ी छोटी है बट फिर भी है बड़ी। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सैड भी हूँ कि जो मेरी सारी बहनें अब्रॉड है तो ज़्यादातर, और मेरी इस सिटी में नहीं है, तो उनसे मेरे फ़ोन पर बातचीत होगी, बट वैसे बचपन की बहुत सारी मुझे मेरी यादें हैं कि जो मेरी कज़न एक पुणे में है वो पुणे से स्पेशली मुझे राखी भेजती थी, मेल से उस टाइम था नहीं कुछ तो मेल से भेजती थी। तो इस टाइम भी बॉम्बे में मेरी एक मेरी मानी भी मेरी बहन है एक, तो उसके पास बांद्रा में जाऊंगा और उनसे राखी बंधवाऊंगा। प्लीज़ आप सबको रक्षाबंधन की खूब सारी बधाइयाँ एंड प्लीज़ इन्जॉय।